राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां पुलिस के मानवीय चेहरे लगातार सामने आ रही है, वहीं आज दिल्ली पुलिस के दो पुलिसकर्मियों के करतूत भी सामने आए। मधुविहार थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल एक बुजुर्ग के साथ जमकर मारपीट, दोनों पुलिसकर्मियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो। दरअसल पूर्वी दिल्ली के मधुविहार थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल कल देर रात चंद्रविहार की एक फैक्ट्री में जाकर दो बुजुर्गों और फैक्ट्री में रहने वाले मजदूरों के साथ जमकर मारपीट। जब दोनों पुलिस वालों का मन नहीं भरा तो दोनों ने बुजुर्ग को डंडे से दोबारा पीटना शुरू कर दिया। हाँ, सोने से कहा उन्होंने लड़के से, ऊपर से गेट खुलवाया। हाँ हाँ, ठीक है। मैंने पूछा क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं बताया। मैं जैसे सो को उठा हूँ, वो खाना उठ के मैंने बात करी है, बात करते करते माना चालू करी। तो वजह तो कुछ बताया किस वजह माना? उसको वजह पूछ, वजह बताया जब ना मुझे कुछ ऐसे पीटना शुरू कर दिया बिना वजह। बिना वजह की फिर क्या, कौन कितने लोग थे पुलिस वाले? दो लोग। क्या नाम है दोनों का? नाम तो मुझे पता नहीं है, घुमा रहे खाली, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो आपने नहीं पूछा मुझे बुजुर्ग को क्यों पीट रहे तुम लोग? मैं पूछा उनको, पूछा बताया नहीं कुछ, कुछ भी बोला। कैसे किस कैसे कैसे पीटा आपको? किस लाठी से पीटा, थप्पड़ से पीटा, गुस्से से पीटा? रात को 12-1 बजे आए पुलिस वाले, अंदर आए, घूमे फिरे, इन्हें उठाया टॉर्च लगा के पहले, फिर इन्हें डंडे से खूब पीटा। उसके बाद मेरे चाचा आए पीछे से अपने बचाव में, छोटी सी ईंट ले गए, ठीक है जी, पुलिस वाले को कि अगर भाई के सामने भाई पिटेगा तो इंसान बचाव करेगा, करेगा। उसके बाद उस बुजुर्ग इंसान ने ईंट उठाई थी मारने के लिए, उनको मार भी नहीं पाए, ईंट छीन के इन्हें फिर इतना मारा डंडे से, पहले इन्हें मारा फिर उन्हें खूब मारा। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आज सुबह 100 नंबर कॉल करी, पुलिस वाले आया, 100 नंबर कॉल वाला आया, मैंने कहा जी मेडिकल करवा दो। कह रहा जी कोविड चल रहा, हम तो मेडिकल करवाने जाएंगे नहीं, आप अपने आप करवा लो जाके। मैंने आईओ को फोन करा, जो हमारा केस का आईओ था उसका फोन आया, मैंने कहा जी मेडिकल करवा दो। कह रहा जी हम नहीं करवा रहे मेडिकल। मैंने जी कोई बात नहीं, हम फिर चलेगा खुद हॉस्पिटल। वहीं जब हमने थाना मधुविहार से इस मामले में खुद सब इंस्पेक्टर विजय कुमार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी मामला नहीं कहते हुए पल्ला झाड़ दिया। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर पुलिस इस तरह की कारनामे करेगी तो लोग अपने आप को भला कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे।